नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल संसद से पारित हो गया। इसके पीछे बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे कहा गया कि अब आप मैदान में निकलिए और इसको जितना ज्यादा हो सके प्रचारित कीजिए। पीएम मोदी जब कल बीजेपी के ऑफिस आए थे तो देखिए कैसे स्वागत किया गया था। G20 के सफल आयोजन के बाद स्वागत, अभिनंदन और महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद नायक बनाने की पूरी पूरी प्लानिंग और रणनीति कि ऐसा होना चाहिए नेता। इसके बाद पार्टी ने कहा अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, निकलिए, लोगों के बीच जाइए और जितना हो सके इसको प्रचारित कीजिए कि मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है जो 27 सालों से पेंडिंग था। जो ये सवाल उठाते हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, उनको बताइए कि ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था इतनी जल्दीबाजी में हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि SC ST के लिए तो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, ओबीसी के लिए नहीं है और इसमें टाइम लगेगा, आगे जो आएगी सरकार वो करेगी। इसी बीच क्या होता है कि रमेश बिधुड़ी जो दक्षिणी दिल्ली से सांसद है, चंद्रयान 3 की सफलता पर लोकसभा में वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए बहस चल रही थी और उसमें BSP के अमरोहा से सांसद दानिश सलीक के लिए वो शब्दों का इस्तेमाल कर दिए जो सुन करके और देख करके ऐसा लगेगा कि भला सांसद ऐसा कैसे बोल सकता है। रमेश बिधुड़ी को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि वो इस तरह के बयान देने में माहिर है। किसी को कुछ भी बोल देना, इसमें उनको महारत हासिल है। राजनाथ सिंह थे वहां पर, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन एक बात बताइए, कोई भी विपक्ष हो गया और जब उसे कोई मौका मिलेगा सरकार को घेरने का, सत्ताधारी दल को घेरने का, फिर उसे क्यों छोड़ देगा। जैसे ही रमेश बिधुड़ी का मामला आगे बढ़ा, दानिश अली ने प्रिविलेज नोटिस दे दिया। 222, 226, 27 रूल के तहत उन्होंने ओम बिरला स्पीकर को भेज दिया है नोटिस कि इस पे एक्शन होना चाहिए, प्रिविलेज का मामला बनता है। स्पीकर ने किया था, क्या किया था, स्पंज कर दिया था और वार्निंग देख करके छोड़ दिया था। क्या अब यही पे मामला थमता हुआ दिख रहा है? लगता तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी तत्काल दानिश अली से मिलने के लिए पहुंच गए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने, यही उन्होंने ट्वीट भी किया। अब्दुल्ला साहब बोले कि BJP में जो मुस्लिम सांसद हैं वो कैसे रहते होंगे, क्या फील कर रहे होंगे। ऐसे तमाम सारे जयराम रमेश से लेकर के संजय सिंह तक तमाम नेताओं के बयान आए हैं और सच पूछिए तो BJP से कोई जवाब बन भी नहीं सकता, सरकार से कोई जवाब बन भी नहीं सकता। बेसिकली ये जिम्मेदारी चूंकि वो सांसद हैं इसलिए BJP है, मंत्री होते तब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती। BJP ने क्या किया है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसके सचिव हैं ओम पाठक, उन्होंने तत्काल सो मोटो नोटिस दे दिया है कि 10 दिन के अंदर स्पष्ट कीजिए क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शायद 10 दिन का समय इसलिए दिया गया है कि तब तक देख लिया जाए कि माहौल में जो है तापमान, सियासत का तापमान कितना चढ़ता है। यदि मामला तूल पकड़ेगा तय मानिएगा BJP रमेश बिधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि चुनावी बेला में वो कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकती कि जो माइनॉरिटी एक तरह से कह सकते हैं कि BJP की तरफ आ रही है, उस माइनॉरिटी के नेता के खिलाफ आप संसद में ऐसे बोलें और पार्टी कोई एक्शन न करे, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें भी इस बात को लेकर के नाराजगी है कि रमेश बिधुड़ी ने लोकसभा में ऐसा कैसे बोल दिया। जो वो तो बाहर भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। महुआ मोहित्रा ने तो फिर ट्वीट में भी कर दिया और जब दानिश अली ने स्पीकर से शिकायत की तो उसमें भी उसका उल्लेख किया है। तमाम सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर भी वो मौजूद है, रमेश बिधुड़ी ने जो बोला है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उसको रिपीट नहीं कर सकते और उनको कतई नहीं बोलना चाहिए, एक आम आदमी को भी नहीं बोलना चाहिए, वो तो सांसद है, वो कैसे ऐसा बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं BJP इसको लेकर के बैकफुट पे आ गई है। मोदी का सरकार का जो जश्न था कि इतना ऐतिहासिक बिल पास कराया गया, उस वो रंग में भंग डाल दिया है रमेश बिधुड़ी ने, और अब देखते हैं कि आगे पार्टी क्या करती है, सरकार क्या करती है। रमेश बिधुड़ी जो चढ़े हुए थे केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में, वो जो है उनको झटका तो जरूर लगेगा।
और ओम बिरला भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे जो स्पीकर है कि आगे क्या किया जाए। विपक्ष तो ये सवाल उठाता रहेगा, वेल में आने पे, हंगामा करने पे आप विपक्षी सदस्यों को सस्पेंड कर देते हैं और रमेश बिधुड़ी का क्या करेंगे? जवाब तो देना होगा, आप भी सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।